अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग्स की। जी बिल्कुल, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, क्या नेशनल सेविंग्स की स्कीम्स बंद होने वाली हैं और सूद का क्या चक्कर है और 2028 की जो डेडलाइन आई है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो लोग काफ़ी क्यूरियस हैं कि नेशनल सेविंग्स में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अकाउंट्स ओपन हैं या जो सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, तो उनका क्या होगा, क्योंकि एक तासुर यही है कि ये जो स्कीम्स हैं इनके ऊपर सूद अदा किया जाता है और सूद क्योंकि इस्लाम में हराम है और सूद पर बाकायदा कानून साजी हो रही है और जो अभी ये 26वीं अमेंडमेंट हुई है आइन में उसमें बाकायदा इस बात पर जोर दिया गया है और एक डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई है कि जनवरी 2028 तक मुल्क को सूद से पाक कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्कीम्स या जो बैंक्स हैं जो सूद पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, यही हमारा टॉपिक है और हम बेसिकली आज बात करने जा रहे हैं कौमी बचत के इदारे की यानी नेशनल सेविंग्स की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि बुज़ुर्ग अफराद हैं या माजूर अफराद हैं या शोहदा हैं, बेवाएँ हैं, उन्होंने बहबूद सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं और मुख्तलिफ और भी सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं और उस पर वो माहाना मुनाफा उनको मिल रहा होता है। तो आगे चल के मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस हवाले से यकीनी तौर पे कौमी बचत में भी कुछ रैपिड चेंजेस हमें देखने को मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। जिस तरह कन्वेंशनल बैंकिंग है, उन्होंने अपनी इस्लामिक ब्रांचेस भी खोली हुई हैं, जैसे कि HBL है या बैंक अल हबीब है, नेशनल बैंक, UBL, तो मोस्टली तमाम ही बैंक्स ऐसे हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग जो कि इंटरेस्ट बेस होती है वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना एक इस्लामिक ब्रांचेस का भी सिस्टम शुरू किया हुआ है और इस्लामिक अकाउंट्स भी वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह कौमी बचत में भी यही होने वाला है कि यहाँ पे जो स्कीम्स हैं उनको अब इस्लामिक स्कीम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी, सिर्फ नाम बदल जाएंगे और जो स्कीम्स हैं वो मुशारिका या मुजारबा जो इस्लामिक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ये बात भी आपको याद दिलाता चलूँ कि नेशनल सेविंग्स ने ऑलरेडी सरवा इस्लामिक स्कीम्स शुरू की हुई हैं, सरवा या सीसा के नाम से हैं ये। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो दीगर बैंक अकाउंट्स हैं इनको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा और मुख्तलिफ इस्लामिक फ़ंड्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि प्रॉफिट रेट में थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन ये अकाउंट्स बंद नहीं होंगे, इनके नाम सिर्फ तब्दील हो जाएंगे। और जहाँ तक जनवरी 2028 की बात है, तो इस हवाले से ये देखने में आ रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने अब सेविंग अकाउंट्स ओपन करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि इस पर बैक एंड पे काम हो रहा है। अगर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उस पर फिर वो सूद का आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप मीज़ान बैंक या बैंक इस्लामी वगैरह जो कि इस्लामिक बैंकिंग ही करते हैं वहाँ पर जाके सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा इजीली, लेकिन जो ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक्स हैं वो अब सेविंग अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। इस हवाले से ये भी एक प्रैक्टिस देखने में आई है कि HBL ने एक कंपेन चलाई थी रिसेंटली, जिसमें जो भी सेविंग अकाउंट्स थे लोगों के उनको मैसेजेस किए गए कि उनको कि वो अपने अकाउंट को कन्वर्ट करा सकते हैं इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। तो बाकायदा अब ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट को इस्लामिक में कन्वर्ट करा लें। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो बैंकों से हुकूमत ने कर्ज़े लिए हुए हैं उसका हजम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और उन कर्ज़ों के ऊपर हुकूमत को एक भारी सूद अदा करना होता है, तो इसलिए भी हुकूमत अब चाह रही है कि ये सूद के चक्कर को ख़त्म किया जाए। आदादोशुमार के मुताबिक 4.7 ट्रिलियन रुपीज़ का कर्ज़ा अप्रैल 2024 तक हुकूमत इन बैंकों से ले चुकी है और जाहिर है कि जब उसकी वो अदायगी करते हैं तो उस पर एक ह्यूज इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो सूद को ख़त्म करने के बाद हुकूमत को भी बचत होगी, मईशत को भी सहारा मिल सकता है और लोग गुनाह से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट्स नेशनल सेविंग्स के हवाले से। आप बिला झिझक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ नाम तब्दील होंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट रेट कम होगा, लेकिन ये स्कीम्स चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।